आइए गोरखपुर की सरजमीन जिसे फिराक गोरखपुर की जमीन से भी जाना जाता है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा उर्दू अदब का उसी सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ, इस दौर का एक चहकता हुआ शायर, उभरता हुआ शायर, जिस मुशायरे में जाता है उस मुशायरे को मुशायरा बना देता है, वो गजल को गजल की तरह से पढ़ता है और हिंदुस्तान के ऊपर एक नज्म ऐसी उसने पढ़ी कि आज बड़े बड़े मुशायरों में उसकी जरूरत महसूस की जा रही। वसीम मजहर, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत लहजा, दोनों चीजें उसके पास है। मैं उसे आवाज दे रहा हूँ, वो यहाँ पे तशरीफ ला रहा, तब तक हजरत आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल कयूम साहब का, माशाल्लाह, मुश्ताक साहब का, समर गाजीपुरी साहब का, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत शाम का मुझे एक हिस्सा बनाया है। आपके दायरे मोहब्बत में ये मेरी पहली हाजिरी है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया हूँ। सदर अली वकार से इजाजत चाहते हुए एक मतला एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। अभी दानिश गजल पढ़ रही थी, बहुत उछल उछल कर दाद दे रहे थे आप लोग, मेरी निगाहें उन्हीं नौजवानों को तलाश कर रही हैं, लेकिन चाहता हूं कि पहली सब से लेकर आखिरी सब तक जितने लोग आज के इस महफिल में बैठे हैं, एक बार अगर एडवांस में तालियां बजा देंगे तो यहीं से मेरा हौसला बढ़ जाएगा। एक मतला एक शेर सुनाता हूँ। अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, अच्छा है सुनना, अपने दीवाने के इजहार पे, अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो, अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो, और जब भी जी चाहे मेरी जान, मेरी जान ले लो, जब भी जी चाहे मेरी जान, मेरी जान ले लो, कितने पागल हो मेरे प्यार पे शक करते हो, अरे वाह भाई वाह, जब भी जी चाहे, अरे वाह, जब भी जी चाहे मेरी जान, मेरी जान ले लो, कितने पागल हो मेरे प्यार पे शक करते हो। वसल की रात कहीं और भी हो सकती है, वसल की रात यानी कि मुलाकात की रात। अब शेर सुनिएगा कि वसल की रात कहीं और भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, प्यार की बात कहीं और भी हो सकती है, वसल की रात कहीं और भी हो सकती है, प्यार की बात कहीं और भी हो सकती है, मुझको बहला न मोहब्बत का खिलौना देकर, मुझको बहला न मोहब्बत का खिलौना देकर, ये मुलाकात कहीं और भी हो सकती है। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, इधर इधर के लोग भी अब जवान हो रहे हैं, मैं देख, नहीं नहीं हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक नज्म का हुक्म है, वो मैं आखिर में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन चाहता हूँ कि जो मेरे हम उम्र जो मेरे नौजवान है पहले उनकी खिदमत करूं, है ना, है ना, है ना। वसल की रात कहीं और भी हो सकती है, प्यार की बात कहीं और भी हो सकती है, मुझको बहला न मोहब्बत का खिलौना देकर, ये मुलाकात कहीं और भी हो सकती है, फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। अब जो लोग खामोश रहे हैं, शरीक करता हूं उनको भी, अब मेरा यकीन है कि उनमें इन मिसरों पर वो लोग खामोश नहीं होंगे, सुनिएगा। फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है, तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। अच्छा अच्छा, फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है, तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है, जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो। मजे लीजिएगा इस शेर के। फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है, तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है, जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। अरे वाह भाई वाह, अच्छा है, अरे बहुत अच्छा, इधर इधर वालों के लिए तो बहुत। फूल तो फूल है, खारों से उलझ जाती है, तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है, जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। ठीक से चलाओ, आगे कैमरा उमरा भी है। कयूम भाई किधर गए भाई? नहीं बिल्कुल, कयूम साहब बिल्कुल सामने बैठे हैं, अभी उन्होंने मुझे बताया कि उनके दो साहब ज्यादा हैं, एक शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और एक डॉक्टर की। मैं ये चार मिसरे पढ़ता हूँ कयूम भाई, आपके हुक्म की तामील में और आपके उन्हीं दोनों बेटों की नजर करता हूँ, मेरे ख्याल से मौजूद भी है यहाँ पे, है ना। तितलियों को करके अपना हम सफर ले जाएगा, तितलियों को करके अपना हम सफर ले जाएगा, हुस्न की मलकाओं को इंजीनियर ले जाएगा,
तितलियों को करके इंजीनियर साहब कहाँ है? इधर है। अच्छा ये अभी अभी तितलियों को करके अपना हम सफर ले जाएगा, हुस्न की मलकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, इसी गांव में एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। वाह भाई वाह, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में तरन्नुम से जी चाहता कि पेश कर दूं। पहली बार आए हो लेकिन उनके घर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। समर भाई ने बहुत पहले मुझे एक मशवरा दिया था, मैंने कबूल नहीं किया और यकीन जानिए कि अब तक खसारे में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त अहबाब सामने तशरीफ रखते हैं वो खसारे में ना रहें। चार मिसरे सुनाता हूँ, सुन के बताइएगा कि दिल लगाने की भूल मत करना। मशवरा है ये, दिल लगाने की भूल मत करना, काम कोई फजूल मत करना, काम कोई फजूल मत करना। ते हसीना अगर कोई तोहफा, मशवरा है कबूल मत करना, मशवरा है कबूल मत करना। अच्छा अच्छा, मशवरा है कबूल मत करना। मेरा यकीन है कि आज का जो नौजवान है अपने महबूब से धोखा खाने के बाद तन्हाई में बैठ के आंसू नहीं बहाता है, बल्कि उस बेवफा की आंखों में आंखें डालकर किस तरीके से गुफ्तगू करता है। मैं इन चार मिसरों के जरिए से बताता हूँ, सुनिएगा। अगर सुनने के बाद लगे कि आपका भी वही जवाब है तो यहाँ से लेकर आखिरी सब तक एक शक की तालियां मुझ तक पहुंचे। बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि ज़हनो दिल से निकाल देता हूँ, ज़हनो दिल से निकाल देता हूँ, गम का सिक्का उछाल देता हूँ, गम का सिक्का उछाल देता हूँ। बेवफा नाम तेरा कागज पर लिख के तेजाब डाल दे, अरे वाह वाह, तेजाब डाल देता हूँ। लिख के तेजाब डाल दे, चाचा मुस्कुरा रहे हैं। लिख के तेजाब डाल देता हूँ। बहुत खूबसूरत महफिल सजी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरी आंखों के सामने ये जो चमकते हुए ये जो नूरानी चेहरे हैं, मेरा जी चाह रहा है कि चार मिसरे उन्हीं चेहरों की नजर कर दे, इजाजत है ना। हसरतों की किताब किसको दूं, सभी को शरीक करता हूं इन मिसरों में। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं। सामने है कई हसी चेहरे, सामने है कई हसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूँ, सोचता हूँ गुलाब। जिंदाबाद, मैं हाजिर करता हूँ। लेकिन नहीं नहीं, आपकी बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, लेकिन इधर का जो मोहल्ला है ना थोड़ा सा मुझे कमजोर कर रहा है। अगर वाकई बात आप तक पहुँच रही है तो मुझे एक बार तालियां बजाकर बता दें कि आप तक मेरी बात पहुँच रही है। नहीं, उन लोगों को भी गुलाब किसी जमाने में मिले थे लेकिन अब वो सूख गए हैं। इधर का ताजा ताजा मामला है, ये बच्चे फूलों से खेल रहे हैं भावरों की तरह से। अच्छा, वो पुरानी बस्ती है। नहीं नहीं ठीक है, चलिए, उनकी उनकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही हैं और चाहता हूं कि नौजवानों की दाद मुझ तक पहुंचे। ठीक है। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई
हसी चेहरे सोचता हूँ गुलाब किसको दूँ, सोचता हूँ गुलाब किसको दूँ, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए। एक नौजवान गुफ्तगु कर रहा है इन मिस्रों में, सुनने के बाद अगर आपके दिल की धड़कनों के तार बज उठे तो सूचित कीजिएगा मुझे तालियां बजाकर। खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए, है तमन्ना कि तेरी गलियों में, है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए, हम तेरा नाम लेके मर जाए। एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ, जितने मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ रखते हैं, जो हजरत पीछे तशरीफ रखते, मैं चाहता हूँ कि उनकी भाई सब शायरी आप लोगों की हो रही है, ये काम आपको करना पड़ेगा। हाँ, वसीम मजहर माइक पर गोरखपुर से तशरीफ लाए। एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ, इन्हीं नौजवानों की नजर करना चाहता हूँ, आखिर में नज़्म सुनेगा जी। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो। अब संभाल लें मिस्रों को, घर से निकल के जाओ तुम इस स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम इस स्कूल की तरफ, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। पिछले दिनों यही पंक्तियां गुनगुनाते हुए मैं अपने किचन में चाय बना रहा था, चुपके से मेरी माँ ने सुन लिया था। मेरी माँ ने एक बात कही थी छोटी सी, मैंने उसको शेर बनाया है। कहीं से लगे कि अगर आपके एहसासात की तर्जुमानी हो गई हो तो मुझे आपकी दुआएं मिले, पेश करता हूँ, समाज फरमाए। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आपको भी शरीक करता हूं मिस्रों में। एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। एक छोटी सी नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, एक माहौल सा बन गया है। नज्म का उन्वान है फेसबुक वाली लड़की। मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा हर शख्स सोशल मीडिया से जरूर जुड़ा होगा। अब वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाइएगा। अर्ज किया है कि फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम, अपने पाकीजा लब से मेरा नाम लो, हो अकेले तो फिर हाथ ये थाम लो, अपने पाकीजा लब से मेरा नाम लो, हो अकेले तो फिर हाथ ये थाम लो, उसकी जानिब जो मैंने बढ़ाए कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम, फूल दिल में वफा का महकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा, खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही, खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही, उस
उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए, आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम। उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का, हर घड़ी ज़हन पर मेरे भारी रही, रात भर एक अजब बेकरारी रही, जागते जागते जब सहर हो गई, वो मेरे सामने जलवागर हो गई, अपने हाथों में लेकर मेरे हाथ को और बयां कर दिया दिल के जज्बात को, मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम, साथ चलने से पहले इरादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। आ गए खुशबुओं की पनाहों में हम, खो गए एक दूजे की बाहों में हम, चूमकर उसके माथे को मैंने कहा, ध्यान से अब मेरी बात सुन दिलरुबा, याद करना तुझे अब मेरा काम है, दिल के सपनों पे बस तेरा ही नाम है, तू ही ख्वाहिश है अब और तमन्ना मेरी, मैं हूँ यूसुफ तेरा तू जुलेखा मेरी, मैं हूँ यूसुफ तेरा तू जुलेखा मेरी। शाम जब लौट कर वो गई अपने घर, खौफ खाने लगी हर नजर देख कर। शाम जब लौट कर वो गई अपने घर, खौफ खाने लगी हर नजर देख कर। उसकी माँ ने कहा सुन तेरी माँ हूं मैं, तू मेरा खून है और तेरी जाँ हूं मैं, तेरी आंखों में चाहत का मफहूम है, तू गई थी कहाँ मुझको मालूम है, चोरी चोरी मुलाकात सुनती थी मैं, चुपके चुपके हर एक बात सुनती थी मैं, इससे पहले तू कोई उठा ले कदम, इससे पहले तू कोई उठा ले कदम, तेरे हाथों में मेहंदी रचा देंगे हम, कर कभी उससे मिलने को जाएगी तू, अपनी अम्मा को जिंदा न पाएगी तू। उसका रिश्ता गुनाहों से जोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया, कुछ महीने न मिल पाई उसकी खबर, ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर, उसकी जानिब का हर रास्ता बैन था, उससे मिलने को दिल मेरा बेचैन था, उससे मिलने को दिल मेरा बेचैन था, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, ये नशेमन मोहब्बत का जल जाएगा, हमने सोचा था गुजरेगी आराम से, कितने नादान थे इसके अंजाम से। फोन उसने अचानक किया रात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में। फोन उसने अचानक किया रात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में, अश्क से अपने दामन को धोते हुए उसने मुझसे कहा खून रोते हुए, एक बगावत का तूफान समुंदर में है, एक बगावत का तूफान समुंदर में है, अब बिछड़ जाना शायद मुकद्दर में है, हो गया है मेरी शादी का एग्रीमेंट, मेरी अगले महीने है इंगेजमेंट, मैं हूं मजबूर इंसाफ कर देना तुम, हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम, मेरे जाने का हरगिज न करना मलाल, रो के बोली कि तुम अपना रखना ख्याल, याद आऊं तो पल के भिगोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं। सुन के बातों को गमगीन होने लगे, फूट कर दोनों एक साथ रोने लगे, दिल का चैनो सुकून सारा खोते रहे, देर तक फोन पर दोनों रोते रहे, प्यार कब घट गया कुछ पता ना चला, फोन कब कट गया कुछ पता ना चला, दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, मुद्दतों फिर न मिल पाई उसकी खबर, जो तमन्ना थी दिल में फना हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद वसीम, नौजवानों के अंदर तुमने एक बेदारी पैदा कर दी, जज्बा। बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने कलाम को पेश किया वसीम मजहर ने। अभी हिंदुस्तान पर एक नज़्म उसको सुना जाएगा, तरन्नुम से वो पेश करेगा। भाई ये नौजवान जो थे बड़ा मजा ले रहे थे, लेकिन आखिर में क्या अंजाम हुआ कि शायर को खुद पानी पीना पड़ा।
तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि शायर अपने वक्त का एक रहनुमा भी होता है, नब्बाज भी होता है, वो मुस्तकबिल पर निगाह भी रखता है। अगर उसको आपने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया उसके मशवरे को, यकीनी तौर पर आप घाटे में जा सकते हैं। इसके लिए माँ बाप की इज्जत कीजिए। माँ बाप जहाँ रिश्ता तय करे वहाँ रिश्ता कीजिए, उससे घर में सुकून रहेगा और इस तरह के अंजाम से आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा। वसीम मजहर अपनी बेहतरीन नज्म के लिए माइक पर हाजिर है, आप हजरात की दुआएं उस तक पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाजरीन महफिल, बहुत मोहब्बत है आप सब की। यकीन जानिए मैं जब घर से चला था, चूंकि पहली हाजिरी है आपके दायरे मोहब्बत में, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि पहली हाजिरी है, पता नहीं किस तरीके का सुनेंगे, मोहब्बतें हासिल होंगी कि नहीं। लेकिन आपकी बेदार समातों ने बता दिया कि आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं, शायरी को समझने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें, आज के इस महफिल के लिए जोरदार तालियां बजा लें। हाजरीन, शायरी सिर्फ और सिर्फ इश्क मोहब्बत की तर्जुमानी नहीं, बल्कि महबूब के दामन में बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि जब हमें आसपास की कड़वाहटें आवाज देती हैं तो हमें उसकी तरफ भी मुतवज्जो होना पड़ता है। एक नज्म जिसने मुझे वसीम मजहर बनाया है, जिस नज्म का उनवान है मेरा हिंदुस्तान, मैं चाहता हूँ कि उसी मोहब्बत से उस नज्म को भी आप समाअत फरमाए जिस मोहब्बत से अब तक आपने मुझे सुना है। वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, चंदौली है। एक मतला पढ़ता हूँ नज्म का और देखना चाहता हूँ कि यहाँ वतन से मोहब्बत करने वाले लोग कितने मौजूद हैं। तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमा। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सो गूंजे, जिसकी फजा में हर सो गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। मोहतरम अतीक अंजर साहब की मौजूदगी, उनकी सरपरस्ती में हम अपना कलाम पेश कर रहे हैं। ये हमारी बल्कि हम सब की ये खुशकिस्मती है। मैंने कोशिश की है कि इस नज्म के जरिए से हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको एक चेहरा दे सकूं और नज्म की शक्ल में वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। पहला बंद सुनाता हूँ इस नज्म का बतौर खास बुला। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग जबान, गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, धुल जाते हैं पापिस में जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। अरे वाह, क्या मंजर है, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया हाजरीन महफिल, जंग आजादी को नजर में रखिए। इस देश की आन बान और शान को बचाने के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने अपना लहू बहाया है तो याद रखिए कि अशफाक उल्लाह खान की भी कुर्बानी से मिट्टी में दफन है। मैं अगला बंद प्रस्तुत करता हूं, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं चाहता हूं कि वहां वहां से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दादो तहसीन की सदाएं आए। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों
गुलामों से डर जाते थे, अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने, चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो भारत देश हमारा है, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, करते हैं ऐलान यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे वसीम मजहर, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी, मुझे फख्र होता है ये कहते हुए कि वही देश है जिसकी गोद में बैठकर हमने गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं जिससे पूरी दुनिया हमें इज्जत भरी निगाह से देखती है। मैं एक बंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ तमाम नदियां आकर आपस में मिलती हैं, पूरे विश्व में एक कौमी एकता का पैगाम देती हैं। इसका मतलब कि अल्लाह ने हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये बात लिख दी है कि ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमीन है, ये प्यार का वतन है। मैं अगला बंद प्रस्तुत करता हूँ इस नज़्म का। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है, वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी है, वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं, कानों से आवाज अजा की रह रह कर टकराती है, रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है, ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं, क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं, सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। और इस नज्म का आखिरी बंद भी पूरे देश की जो खूबसूरती है, कोशिश की है कि एकजा कर सकूं, इकट्ठा कर सकूं, कहां तक कामयाबी हासिल हुई है आपकी दुआएं आपकी मोहब्बत बताएगी। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, गुरु नानक ने परवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है, गुरु नानक ने परवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है, चिश्तियो सरसैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है, चिश्तियो सरसैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है, सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने, देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मी बाई ने, याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला, कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्ला, इन लोगों ने देश की अपने खूब हाई शान, यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे वजीम मजहर, ये पत्रकार बंधु हैं जो आपको अपनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, आपका शेर भी नोट कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो भी ले रहे हैं। वाकई हिंदुस्तान जो हमारा है वो सबका है, इनकी नज़्म ने भी साबित कर दिया, और हम इसको पढ़ते भी आए हैं। बुरे किरदार वाले को यहाँ हैवान कहते हैं, बुरे किरदार वाले को यहाँ हैवान कहते हैं, खुलूस और रहम हो जिसमें उसे इंसान कहते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं मिलकर, जहाँ वालों उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हमारा भारत है, हमारी साझा विरासत जिंदा है, हमारी साझा
تہذیب زندہ ہے۔ یقینی طور پر اس تہذیب کا خیال قومی یکجہتی فاؤنڈیشن کے لوگوں نے بھی کیا ہے، کنوینر مہودے نے بھی کیا ہے، ہمارے اس مشاعرے کے روح رواں عبد القیوم صاحب نے بھی کیا ہے کہ بھارت کے جیسا ملک نہیں اس جہان میں، بھارت کے جیسا ملک نہیں اس جہان میں، ہم ایک ہیں کہ گوجے صدا آسمان میں، چادر چڑھاتے ہندو مسلمان مزار پر، ماحول ایکتا کا ہے ہندوستان میں۔ دوستو یہ ایکتا ہماری برقرار رہنی چاہیے۔ یہ مشاعرہ صرف غزل کے لیے نہیں ہے، یہ مشاعرہ صرف نظم کے لیے نہیں، بلکہ یہ مشاعرہ ایکتا کے لیے ہے، شانتی کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، ملت کے لیے ہے، اور اسی بات کا خیال رکھا ہے کمیٹی کے لوگوں نے۔